दोस्तों, हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं या खरीदते हैं। प्रॉपर्टी, फिर वो चाहे प्लॉट हो, घर हो या खेत हो, चाहे हम प्रॉपर्टी को खरीदें या बेचें, तो हमें उसकी फेरफार कराना पड़ता है। मतलब उसका मालिकाना हक हमें बदलना पड़ता है, चाहे वो बेचना हो या चाहे खरीदना हो। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो फिर खेत हो, प्लॉट हो या घर हो, उसे खरीद रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, वो जो हमें बेचना है, क्या वो उसके नाम पर है या नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू जान सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, तो उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, उसकी ओनरशिप किसके पास है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आपके मोबाइल के ब्राउजर के अंदर गूगल को ओपन करना होगा, और गूगल में आपको टाइप करना होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल को टाइप करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपको जो सबसे पहले जो वेबसाइट दिखाई देंगी, फ्री सर्चिंग सर्विस डॉट महाराष्ट्र, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस वेबसाइट का कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, नोंदनी व मुद्रांक विभाग, महाराष्ट्र शासन। अब दोस्तों, जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, मिल्कत निहाय प्रॉपर्टी डिटेल्स और दस्त निहाय मतलब डॉक्यूमेंट नंबर। यानी कि आप जो अपने जो भी आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको आप दो तरह से सर्च कर सकते हो, दो तरह से ढूंढ सकते हो। एक तो आप प्रॉपर्टी डिटेल के अकॉर्डिंग, या फिर डॉक्यूमेंट नंबर। जब हम फेरफार करते हैं, तो हमें एक डॉक्यूमेंट नंबर मिलता है, उस डॉक्यूमेंट नंबर को आप इंटर करके भी उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो चलिए हम पहले जानेंगे कि प्रॉपर्टी डिटेल जो है, वो मिलकत में आए, हम किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको जिस भी वर्ष में जो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको जाननी है, तो उस वर्ष को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 2018 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मुंबई जिला और मुंबई उपनगर जिला, ये दो बता रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जब स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मुंबई, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, अर्बन एरिया इन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो हम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र हमको करना है, तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करता हूँ अमरावती, क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अमरावती है। उसके बाद में आप यहाँ पे तहसील आप सिलेक्ट कीजिए। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ धारनी। अब दोस्तों, आपको जो भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन डिटेल जाननी है, तो वो तो आपको मालूम होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से तालुके में और कौन से गांव में है, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। गांव में सिलेक्ट करता हूँ उकुपाटी। अब यहाँ पे दोस्तों, हमने जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो तहसील है सिलेक्ट कर लिया, गांव सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो मिलकत क्रमांक है, प्रॉपर्टी नंबर, तो हमें प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नंबर इंटर कर देता हूँ, 10। उसके बाद में आप यहाँ डाउन साइड देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो कैप्चा है, उस कैप्चा को यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। मैं कैप्चा इंटर करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रद्द, शोध और सी ई आर एस ए आई सर्च। तो आपको यहाँ पे शोध के ऊपर
क्लिक करना है। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशंस भरने के बाद में ईयर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, प्रॉपर्टी नंबर सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब हमने शोध के ऊपर क्लिक किया उसके बाद में हमारे सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशंस ओपन होंगी। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर दिया है 112, डॉक्यूमेंट नेम दिया है खान खत, रजिस्ट्रेशन डेट दिया है 4/1/2018। उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेलर है सेलर कौन है, सेलर का नाम क्या है, उसके बाद में परचेसर जो नेम है परचेसर का नाम क्या है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो डिस्क्रिप्शन है पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में एसआर कोड, स्टेटस, उसके बाद में आप यहाँ पे इस इंडेक्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इंडेक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस जो रजिस्ट्री है इस रजिस्ट्री की इस डॉक्यूमेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप इस तरह से ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, या आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बाय की है और आपने अगर उसको अपने नाम पे करवाया है तो वो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे हुई या नहीं हुई है ये भी आप इस ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए जान सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।